गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू होता है सुबह सुबह डी डी ए से, क्योंकि मैं सुबह सुबह आज उठ गया। आज का दिन भाई बहुत पॉजिटिविटी और नींद से भरा होने वाला है, क्योंकि मैं उठ गया सुबह सुबह काफ़ी देर बाद। लेकिन आज करेंगे रनिंग और अच्छा वर्कआउट। आज के लिए कुछ ज़्यादा ही कार्डियो हो गया गाइस, ध्यान नहीं दिया मैंने। पहला दिन है और बहुत बुरी हालत हो गई मेरे को। एक चीज़ याद आई, जिम में सबसे बेकार चीज़ जो मैंने करी है वो है ट्रेडमिल। तुम ट्रेडमिल पे रोज़ रनिंग करते हो उससे कुछ नहीं होगा, एक दिन ग्राउंड में रनिंग करके देखो पता लग जाएगा। हाँ टाइट हो गई है। तो गाइस हो गया आज का कार्डियो वर्कआउट, और भाई ग्राउंड में करने वाला कार्डियो वर्कआउट ट्रेडमिल से बहुत अलग होता है। ट्रेडमिल में तो बहुत ईजी होता है, मैं रोज़ करता हूँ, पर आज जब ग्राउंड पर रनिंग करी तब पता लगी हालत। और यही पता लगा कि लोग क्यों कहते हैं कि कुछ खाने के बाद रनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कुछ खाया भी नहीं, लेकिन अगर पानी भी पिया होता ना वो भी उल्टी कर देता फिर हमें। पर मज़ा आया बहुत। अब कल से भी ऐसे ही करना है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ थोड़ा सा आज, क्योंकि मैं एक दिन में नहीं चाहता कि मैं पढ़ता हूँ बिल्कुल ही। बाकी अब कार्डियो अच्छा होगा और जल्दी से जल्दी वर्कआउट करेंगे बढ़िया वाला और बॉडी बनाएंगे। चलो तो गाइस ब्रेकफास्ट में आज हम खाएंगे पोहा। ब्रेकफास्ट टाइम पोहा टाइम। ब्रेकफास्ट कंप्लीट, काम का टाइम। क्या सनलाइट आ रही है, इस तुमने अभी देखा मैंने लिया क्रिएटिन सुबह सुबह। मैं ऐसे लेता हूँ रोज़ क्रिएटिन, और मैं बोल क्यों रहा था क्योंकि सब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ऐसी वीडियो बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, वॉइस ओवर कर दूंगा। और बाकी तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ एक डॉग बैठा है जिसको हमने वहाँ दूध दिया लेकिन इसने नहीं पिया, क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है और कुछ नहीं। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा स्ट्रीट डॉग्स भूखे ही हों, कभी कभार पेट भी भरा होता है। वे तो स्ट्रीट डॉग होके भी घर पर बैठा है, बताओ कैसा लगोगे। कुछ कहते ही नहीं कोई, इसलिए चलो मैं अपना काम करता हूँ, अभी काम तो ज़रूरी है। यो गाइस लंच टाइम, लंच मैंने छोड़ दिया है तो उसकी जगह पे एप्पल, ये ज़्यादा बेटर है। सो गाइस सुबह से 7 बजे अब मैं निकला हूँ, मंदिर होके आया और अब जा रहा हूँ जिम 7 बजे। इतना मतलब काम करते करते बोर हो जाता हूँ मैं, पर फिर भी जिम जाना ज़रूरी है। चलो मिलते हैं जिम। सो गाइस डे 3 ऑफ विंटर आर्क, और सबसे पहला रूल है जल्दी उठो, जो कि मैंने कर लिया। और दूसरा रूल ये है कि तुम कुछ वर्कआउट करो या फिर जो भी, मतलब वर्कआउट तुम्हें शामिल करते हो जिम में, तुम रनिंग करो लेकिन आते ही रनिंग मत कर दो शुरू। ये मुझे डे 1 से पता लगा कि रनिंग सीधा कर दोगे तो फिर पैर दर्द करेंगे, काफ में बहुत दर्द हुआ। लेकिन अब मैंने वॉकिंग करनी शुरू कर दी, पहले 2 राउंड वॉकिंग उसके बाद रनिंग, सीधा रनिंग करोगे तो दर्द होगा। बाकी मिलते हैं अभी तुमसे थोड़ी देर में। चलो तो गाइस बहुत ज़्यादा ही रनिंग कर ली मैंने, मतलब ज़्यादा तो नहीं, पहले दिन ज़्यादा गई थी बहुत, क्योंकि उस दिन मेरे को पता लग गया फिर इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती पहले दिन। बाकी अभी रनिंग कर ली मैंने, थोड़ी करी है पहले दिन से कम। अब करेंगे स्ट्रेचिंग, ये मैंने पहले दिन भी करी थी, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेंगे अच्छे से। पुलअप्स वगैरह तो होंगे नहीं, अभी करी बैक मारी है, और फिर थोड़ी और रनिंग करके चलेंगे घर। हेल्दी हेल्दी गाइस, वैसे बहुत देर बाद पी रहा हूँ ये, मैं बहुत टाइम से पिया नहीं था, तो मैंने सोचा हेल्दी भी है तो पी लेते हैं। और घर वालों को कुछ काम था, मेरे पे कैश नहीं था तो कैश चाहिए था, इसलिए मैंने ये लिया। चलो कैश भी आ जाएगा और ये भी हो गया बढ़िया। ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला जिसकी शेप थोड़ी बिगड़ी थी, और साथ में थोड़ी चाय। सुबह सुबह हमने खाया था बेसन का चीला, और वैसे मेरे टीका भी लगाया। आज नवरात्रि शुरू हुआ आज से, तो हैप्पी नवरात्रि सबको। और अभी मैं खा रहा हूँ एप्पल, और अभी बज रहे 3:30, मैंने काटे हैं इसलिए छिलका नहीं था। आलसी। A few moments later. यो गाइस काम से फ्री होके अब मैं आ गया हूँ जिम में, और आज से फैब्स मारूंगा क्योंकि शोल्डर बचा है, वो शोल्डर कल मारूंगा क्योंकि 2 दिन और बचे हैं। तो मैं सोचा आज एब्स, कल शोल्डर, फिर परसों फिर एब्स। एब्स ज़्यादा मारूंगा तो एब्स आएंगे, बाकी कार्डियो तो मैं उसमें कर ही रहा हूँ। चलो अभी एब्स को वर्कआउट करेंगे। टाइम पास तो कर ही रहे हैं, मेरा सारा वर्कआउट हो गया, आपसे करना था आज तो
तो मैं सोच रहा हूँ टाइम पास के लिए चलो चेस्ट मारते हैं फ्लाई, देखते हैं कितना मैक्स मार सकता हूँ उसमें मैं। एक रब बस, चलो 40 से तो मैंने मारा ही है, तो हम मारेंगे अब 50 से। एक रब, लेट्स गो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me. ये मारा मैंने 60 से, अब मारेंगे हम 70 से। एक रैप बस, लेट्स गो। मुझे लगता है ये ऐसा आएगा। Now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you. Puri kharab form ke saath 70 se maine maar liya ek trip. Par 60 maar sakta hu maine aaj ye dekha. Chalo. So guys, gym pe aa chuka hu main, workout ho chuka hai aur main Naman ka wait kar raha tha lekin wo aaya nahi. तो मैं खुद ही घर आ गया और इसके पास पहुंच गया। बाकी क्या करेंगे आज, देखते हैं कंटेंट आ जाए तो, वरना तो मैं सुबह से बना ही रहूं। थोड़ा बहुत तो कंटेंट आ ही जाएगा। हां, मतलब अभी स्टार्ट कर रहा है, पर बोरिंग वाला कंटेंट है यार ये जो मैं सुबह से बना रहा हूं ना, क्योंकि डिसिप्लिन में तो बोरिंग होता ही है गाइस। डिसिप्लिन होगा तो बोरिंग होगा। मैं रील बना रहा डेली, विंटर आ रही है, बना रहा हूं रील, बना रहा हूं। 90 दिन की विंटर होती है, 90 दिन रील बना, 90 दिन भाई। और क्या, भाई देखते हैं, चलो जो जानते नहीं उनको भी लगूं फैमिलियर, बना मैं शख्स नहीं बेशक करूंगा क्लियर।